आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आप सबको मेरा सलाम। आज मैं फिर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए टोमेटो केचप की चटनी, टोमेटो केचप बनाना सिखा रही हूँ। घर में आप लोग वहाँ बाज़ार के महंगे महंगे केचप के पाउच खरीद के लाते हैं जो मिनटों में हफ्तों में ख़त्म हो जाते हैं बच्चों के। ये मैं आज टमाटर से ये प्यूरी बनाई है मैंने। ये रेड कलर के टमाटर हैं, इनकी मैंने ये बॉइल कर कर इनके कट लगा कर और इनको इस चॉपर में मैंने क्रश कर लिया है, ठीक। इसके बाद अब इधर आ जाएं, ये एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, प्याली शुगर, एक प्याली और एक चम्मच चाट मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट, एक चम्मच नमक और एक प्याली ये नमक वो इमली का गुद्दा, इमली होकर उसका सारा ये जी। ये मैंने एक प्याली इमली का गुद्दा और ये दो चम्मच सिरका लेंगे हम, और इसमें से हम ये काली मिर्च क्रश करके 1 टेबलस्पून इसी में से डालेंगे हम पीस कर, और एक चम्मच नमक। दोबारा बता रही हूँ एक बार फिर, एक बड़ा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, दो चम्मच कॉर्नफ्लोर, एक चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच नमक, एक प्याली इमली का गुद्दा और एक प्याली भरकर चीनी और 2 किलो टमाटर, सिरका, काली मिर्च। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम कढ़ाई चूल्हे पर रख रहे हैं और हम इसको 1 बाय 1 पकाएंगे। ये मैंने कढ़ाई में 2 किलो पिसे हुए टमाटर डाल दिए हैं जो बॉईल करके मैंने चॉपर में पीस लिए थे। अब इसमें हम 1 बाय 1 1 टेबलस्पून ये नमक चला गया इसके अंदर सारा, ये हम साफ कर देंगे प्याली को। अब इसमें हम एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, एक चम्मच चाट मसाला, मिक्स हम बाद में कर देंगे, हम पहले डाल लें ये एक प्याली चीनी, ये हमने सारी इसमें डाल दी। अब हम इसमें ये एक प्याली इमली का गुर्दा ये भी मिक्स कर दिया। अब हम इसको चम्मच से मिक्स करके चलाएंगे। काली मिर्च कहा था, ये मैंने अब इसमें एक चम्मच काली मिर्च डाल दिया। अब हमारे पास सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स दो अज्जा रह गए हैं, कॉर्नफ्लोर और सिरका। जैसे ये पक्का है एंड में हम इसमें डालेंगे सिरका। पकने से 5 मिनट पहले सिरका डालेंगे और लास्ट में हम कॉर्नफ्लोर डालकर गाढ़ा करके इसको उतार लेंगे। और अब हम इसको पकने रख दिया है। अब ये आधा कप हम इसमें सिरका ऐड कर रहे हैं। ये सेकंड लास्ट हमारे जो इंग्रेडिएंट्स था ये भी चला गया, अब सिर्फ कॉर्नफ्लोर रह गया। अब हम इसे आधे घंटे के लिए पकने रख देंगे हल्की आंच पर, दरमियानी आंच पर। जब ये गाढ़ा हो जाएगा, सब चीज़ें आपस में यकजान हो जाएंगी, तो फिर हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालकर गाढ़ा करके इसको उतार लेंगे और इस तरह हमारी केचप तैयार हो जाएगी। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें मेरे चैनल को। और मैं आपको भी बताऊँगी कि मेरे 18% सिर्फ रह गए हैं सब्सक्राइब करने वाले। बराए मेहरबानी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी चैनल कैसा लग रहा है। ओके, इसमें सिरका ऐड कर रहे हैं। ये सेकंड लास्ट हमारे जो इंग्रेडिएंट्स था ये भी चला गया, अब सिर्फ कॉर्नफ्लोर रह गया। अब हम इसे आधे घंटे के लिए पकने रख देंगे हल्की आंच पर, दरमियानी आंच पर। जब ये गाढ़ा हो जाएगा, सब चीज़ें आपस में यकजान हो जाएंगी, तो फिर हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालकर गाढ़ा करके इसको उतार लेंगे और इस तरह हमारी केचप तैयार हो जाएगी। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें मेरे चैनल को। और मैं आपको भी बताऊंगी कि मेरे 18% सिर्फ रह गए हैं सब्सक्राइब करने वाले। बराए मेहरबानी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी चैनल कैसा लग रहा है। ओके जी, ये देखें, मैंने आपसे कहा था कि आधे घंटे तक इसको पकाना है। अब ये गाढ़ा हो गया है, अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालकर मज़ीद गाढ़ा करेंगे इसको। ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है जो आपने
ये देखिए अब हमारा केचप तैयार है। हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और आप इसे जार में किसी बोतल में बंद करके रख दें और इस्तेमाल करें। और ये 1 महीने के लिए आराम से आपके लिए केचप तैयार है। लेकिन जब भी इस्तेमाल करें फौरन फ्रिज में रखें ठंडा होकर। ये देखें ये कंसिस्टेंसी है, ये इसकी लुक है फाइनल। चलिए जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले बेल आइकन को बटन दबा दें साथ के साथ, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आराम से पहुँच जाए। ओके, तब तक नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, अपने बच्चों को हेल्दी फूड दें। अपना ख्याल रखने के बाद साथ साथ अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली में अपना ख्याल रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लेकिन आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप अपनी फैमिली का ख्याल रख सकेंगे। ओके, तब तक अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें, जो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।